दर्शक मित्रों, मेरा नमस्ते आपको। आज वर्ल्ड पाइल्स डे है, यानी 20 नवंबर 2020 ये पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड बवासीर डे के तरीके से उजाया जाता है। ये पाइल्स डे की खासियत यह है कि ये जो बीमारी है ये काफी तकलीफदायक रहती है, दर्दनाक रहती है, लेकिन लोग डिस्कस नहीं कर पाते, शर्म में रहते हैं, और इससे शर्म के कारण ट्रीटमेंट डिले होती है और पेशेंट परेशान होते रहता है। तो ये वर्ल्ड पाइल्स डे के दिन हमारा हेतु ये रहता है कि इसकी जागरूकता बढ़ाए। बहुत ही कॉमन बीमारी है, 50 साल के बाद सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी बोल सकते हैं पाइल्स है। 50% से 70% लोगों को 50 साल की उम्र के बाद एक बार पाइल्स की तकलीफ होगी या लक्षण आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से सिर्फ 10% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत रहती है, बाकी के 90% लोग हम डाइट से या कुछ मेडिसिन से और खान पान में कुछ चेंजेस लाने से हम इसको रोक सकते हैं और ये बीमारी को आगे बढ़ते हुए रोका जा सकता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन पटेल। हम पाइल्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं हमारी चैनल पे, और हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन मिले, ऑपरेशन के पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी और बिना ऑपरेशन के साथ भी। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं कि पाइल्स को कैसे रोका जा सकता है या कैसे इसे बचा जा सकता है। सबसे पहला टिप है कि आपको मोबाइल फोन का यूज टॉयलेट में सबसे कम करना है। अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हो टॉयलेट में तो लंबे टाइम तक बैठे रहते हो और इसके कारण गुदेदार के जगह पे पाइल्स स्लाइड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और एक ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है पानी ज्यादा लेना। अगर आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हो तो आपका जो मोशन है वो सॉफ्ट रहेगा, टॉयलेट में जोर कम करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, यानी फ्रूट्स, सलाड्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। अगर आपके फाइबर में डाइट ज्यादा है तो आप पाइल्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। चौथा टिप है एक्सरसाइज। अगर आप नियमित रूप से बराबर से एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करते हो, अगर आप हमेशा वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ऐसे टाइप की एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हो तो आपको मोटापा भी कम रहेगा और उसके कारण जो पाइल्स होने की शिकायत जो बढ़ती है वो भी आपको कम रहेगी। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि यदि आपको गुदेद्वार के जगह पे ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है या कोई सूजन होती है तो आप शर्मिंदगी में मत रहो, आप तुरंत आपके जनरल सर्जन को या फैमिली फिजिशियन को एक बार चेकअप करा लीजिए ताकि आपको अर्ली स्टेप पे, अर्ली स्टेज पे आपको ट्रीटमेंट मिले तो आपको ऑपरेशन की जरूरत ना मिले। धन्यवाद। तो वर्ल्ड पाइल्स डे के दिन मेरा सादर प्रणाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली टाइप कीजिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको सही उत्तर मिले।